वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप मेरे वीडियो सबसे पहले और सबसे जल्दी देख सके। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी ग्वार पाठा के बारे में जानते हैं। ग्वार पाठा यानी कि लैटिन नेम एलोवेरा, एलोवेरा के नाम से आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसका हिंदी नाम है ग्वार पाठा। एलोवेरा एक औषधि के रूप में जानी जाती है। इसका उपयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि यह एक संजीवनी बूटी की तरह कई रोगों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। दिखने में हरा और किनारे की ओर से कांटेदार आकृति लिए हुए यह एलोवेरा संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे ग्वारपाठा, धृत कुमारी। बहुत से फायदों की वजह से इसे चमत्कारी पौधा भी कहते हैं। एलोवेरा के 200 से अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। एलोवेरा के पौधे में रस सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एलोवेरा के रस में कई रासायनिक तत्वों के गुण भी पाए जाते हैं, जैसे 18 अमीनो एसिड, 12 विटामिन और 20 खनिज पाए जाते हैं। इसके अलावा कई अन्य यौगिक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। एलोवेरा के पोषण का महत्व। एक औषधि के रूप में उपयोग में लाए जाने वाला यह एलोवेरा कई पौष्टिक तत्वों से भरा पड़ा है। इसमें 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड, 20 खनिज, 75 पोषक तत्व और 200 सक्रिय एंजाइम शामिल हैं। इसके अलावा कई रासायनिक गुण, खनिज, कैल्शियम, जस्ता, तांबा, पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें विटामिन के गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, नियासिन और फॉलिक एसिड शामिल हैं। इसके उपचार से हमें कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। शारीरिक उपचार हेतु एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं। एडाप्टोजेन मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और वातावरण में होने वाले बदलावों के प्रभाव को तेजी से शरीर में ढालता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलते हुए खान पान का असर सीधे हमारे हेल्थ पर पड़ता है। एलोवेरा में पाए जाने वाले पॉलीसेचराइड्स वायरस से लड़कर कई प्रकार की बीमारियों से शरीर को सुरक्षित रखते हैं। एलोवेरा का जूस आपके शरीर को तनाव से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा आपको बीमारी से बचाने में सहायक तो होता ही है, साथ ही मानसिक शांति भी प्रदान करता है। पाचन क्रिया में सहायक। आपने हमेशा पेट में गैस बनना और खाने न पचने की समस्या के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे शरीर में पेट संबंधी कोई भी बीमारी हो तो आप 20 ग्राम एलोवेरा के रस में शहद और नींबू मिलाकर सेवन करें। यह पेट की बीमारी को दूर तो करता ही है, साथ ही साथ पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। कब्ज की समस्या। यह समस्या हमें अक्सर सुनने को मिलती है। यह समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। इस रोग को दूर करने के लिए एलोवेरा के रस का सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। छोटे बच्चों में कब्ज के लिए जूस एवं हींग मिलाकर नाभि के चारों ओर लगा दें, इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा यकृत में बढ़ रही सूजन में इसके गुद्दे का सेवन सुबह शाम करने से यकृत की कार्य क्षमता बढ़ती है, इससे पीलिया रोग भी दूर होता है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली। एलोवेरा पौधे के रस में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर में चुस्ती एवं फुर्ती बनी रहती है। हृदय रोग और मोटापा। आजकल की सबसे बड़ी जटिल समस्या हमारे शरीर में बढ़ता हुआ मोटापा है, जो हृदय रोग होने का मुख्य कारण बनती है। मोटापे से शरीर में तेजी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और रक्त वाहिनियों में वसा का जमाव होता है। ऐसी स्थिति में एलोवेरा का रस बेहद फायदेमंद होता है। एलोवेरा जूस रोजाना 20 मिलीलीटर से 30 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से शरीर में अंदर से भरपूर तंदुरुस्ती तथा ताजगी का एहसास होता है, तथा ऊर्जा का उच्च स्तर बना रहता है। इससे वजन भी शरीर के अनुकूल रहता है। संधिशोथ। यह रोग काफ़ी दर्दनाक होता है। इसमें रोगी के हाथ पैर जोड़ों में दर्द, अकड़न या सूजन आ जाती है, साथ ही जोड़ों में गांठें बन जाती हैं और शूल चुभने जैसी पीड़ा होती है। इसीलिए इस रोग को गठिया रोग भी कहते हैं, जिसका सही इलाज एलोवेरा में पाया गया है। पहले इसके दो फांक कर इसमें हल्दी भरकर हल्का गर्म कर लें और प्रभावित भाग पर लगाकर पट्टी लगाएं। ऐसा आप लगातार 10 से 15 दिनों तक करें। गठिया, जोड़ों में दर्द, मोच या सूजन में काफ़ी राहत मिलेगी। जोड़ों के दर्द में एलोवेरा जूस का सेवन सुबह शाम खाली पेट करें
और प्रभावित जोड़ों पर लगाने से विशेष फायदा मिलता है। मुंह की सफाई, जख्म, घाव, जलन जैसी कोई भी समस्या हो या फिर मुंह पर पड़ रहे छालों को दूर करना है, इन सभी समस्याओं में एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए। जख्म या घाव, शरीर में किसी भी प्रकार का जख्म या घाव हो जाने पर एलोवेरा के गुदे को क्रीम की तरह लगानी चाहिए। इसके पत्तों के गुदे में जरा सी पीसी हुई हल्दी मिलाकर इस पेस्ट को एक पट्टी पर लगा लें और गांठ फोड़े पर रखकर पट्टी बांध दें। फोड़ा पककर स्वतः फूट जाएगा और मवाद निकल जाएगा। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर, इसमें कोई शक नहीं कि एलोवेरा दुनिया का सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक गुण वाला होता है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा हमारे शरीर को लगभग 21 अमीनो एसिड की जरूरत होती है, जिसमें एलोवेरा से 18 अमीनो एसिड की मात्रा को पूरा करता है। इन गुणों से भरपूर एलोवेरा में सेपोनिन नामक तत्व होता है, जो शरीर के अंदरूनी सफाई करता है तथा रोगाणु रहित रखने का गुण रखता है। इसके अलावा खतरनाक बीमारियों से निजात भी दिलाता है। यह एड्स जैसी बीमारी में भी खास साबित होता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बनाए रखने में सहायक, हमारे शरीर में मोटापा होने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है। इसी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में एलोवेरा सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। मधुमेह से लड़ने में, यदि आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं तो 10 ग्राम एलोवेरा के रस में 10 ग्राम करेले का रस मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से डायबिटीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही 20 ग्राम आंवले के रस में 10 ग्राम एलोवेरा के गुदे को मिलाकर प्रतिदिन सुबह सेवन करें, यह शुगर की बीमारी को दूर करेगा। कैंसर से लड़ने में भी लाभकारी, एलोवेरा कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। सर्दी खांसी में भी लाभ देता है, बच्चों में हो रही सर्दी, जुकाम या खांसी पर 5 ग्राम एलोवेरा के ताजे रस में शहद मिलाकर सेवन कराएं, इससे बच्चों को फायदा होगा। एलोवेरा के गुदे का सेवन रोज करने से शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। एलोवेरा के खूबसूरत लाभ, कांटेदार पत्तियों वाले इस एलोवेरा को छीलकर एवं काटकर पहले उसका रस निकाला जाता है। इस रस की 2-4 चम्मच सुबह खाली पेट लेने से शरीर में शक्ति एवं चुस्ती फुर्ती बनती है। अपने एंटीबैक्टीरिया और एंटीफंगल गुणों के कारण यह घाव को जल्दी भरता है, इससे बाल घने, काले, लंबे और मजबूत होते हैं। एलोवेरा के रस का सेवन रोज करने से त्वचा भीतर से खूबसूरत बनती है और बढ़ती उम्र से त्वचा पर होने वाले कुप्रभाव भी कम होते हैं। फलों के साथ, आंवला और जामुन के साथ एलोवेरा का उपयोग करने से बालों को मजबूती तो मिलती ही है, साथ ही ये आँखों का भी बचाव करती है। एंटी एजिंग जेल, एलोवेरा एक जेल के रूप में काम करता है। ये हमारे शरीर के कोमल तत्वों को हानि नहीं पहुंचने देता। चेहरे में इसके जेल का प्रयोग करने से एलोवेरा बुढ़ापा नजर आने वाले तत्वों को नष्ट करता है। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर की सफाई कर उनमें नवीन शक्ति तथा स्फूर्ति भरता है। एलोवेरा जेल हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शरीर में जाकर सभी प्रकार की कमियों को दूर करता है, शरीर को जवान बनाता है, खिंचाव के निशान को कम करता है। चेहरे में पड़ रहे स्ट्रेच के कुछ निशान से चेहरे में बुढ़ापा नजर आने लगता है, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। एलोवेरा के रस का सेवन करने से चेहरा दमकने लगता है, झुर्रियाँ भी दूर होने लगती हैं। स्ट्रेच मार्क्स, त्वचा से संबंधित अलग अलग तरह के रोगों को दूर करने में एलोवेरा बेहद लाभकारी है। एलोवेरा के गुदे से मसाज करने पर त्वचा टोन होती है। इसमें पाए जाने वाले तत्व स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने में कारगर साबित होते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम खराब हो चुकी त्वचा को हटाकर दूसरी त्वचा को हाइड्रेट करते हैं। एक आफ्टर शेव के रूप में, शेव करने के बाद ज़्यादातर चेहरा या तो कट जाता है या फिर जलन होने लगती है, उस समय एलोवेरा जेल का आदर्श आफ्टर शेव लोशन का काम करता है। धूप में फायदेमंद, सूर्य की किरणें हमारे चेहरे की त्वचा पर ज़्यादा असर दिखाती हैं, क्योंकि हमारी त्वचा काफ़ी नरम और संवेदनशील होती है। एलोवेरा में सूर्य की किरणों से लड़ने की शक्तिशाली चिकित्सक गुण होते हैं। इसके हर्बल हमारे चेहरे में एक परत के रूप में काम करते हैं और साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण नमी की कमी की भरपाई करने में मदद करते हैं। इसीलिए जब भी आप धूप में घर से बाहर जाएं तो एलोवेरा का रस अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगा कर जाएं। त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर, एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट मॉइस्चराइजिंग उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह सभी प्रकार की त्वचा के लिए आदर्श माना जाता है। बालों के लिए एलोवेरा, आजकल बालों की समस्या को लेकर सभी लोग परेशान रहते हैं। बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का रूखापन, इस तरह की न जाने कितनी और समस्याएं हैं, पर ये सभी समस्याएं एलोवेरा के प्रभाव से दूर हो जाती हैं। आपको इसके लिए एलोवेरा जेल को सिर्फ आधे घंटा लगाना है, इसके बाद आप उसको धो सकते हैं। ऐसा आप महीने में सिर्फ 2 बार करें।
आपको इसके परिणाम कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेंगे। यह रूखे बाल को ओली करता है। बालों का विकास, अगर आपके बाल जड़ से खत्म हो रहे हैं तो इसका रस नियमित सिर पर लगाते रहने से नए बाल आने लगते हैं। रूसी से छुटकारा दिलाता है। इसका गुदा या जेल को निकालकर मेहंदी के साथ मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं। इससे रूसी खत्म होने के साथ ही बाल काले, घने, लंबे एवं मजबूत हो जाते हैं। प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में एलोवेरा का जेल बनाकर बालों की जड़ों पर लगाए जाने से बालों में चमक आती है और यह एक प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में काम करता है। बैलेंस पीएच स्तर, यह सिर के पीएच स्तर को संतुलित कर बालों को मॉइस्चराइज्ड रखता है और बालों के विकास को बढ़ावा देता है। एलोवेरा जेल और लेटेक्स एलोवेरा के ये दो हिस्से सबसे अधिक लाभकारी होते हैं। ये जेल खोखली पत्तियों में पाया जाता है और लेटेक्स पत्ती के सबसे नीचे के हिस्से में पाया जाता है। घायल अवस्था में शरीर के अंग में रक्त का प्रवाह जब तीव्र गति से बढ़ता है, इस रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, घाव भरने के लिए एवं कई त्वचा रोगों में यूज किया जाता है और ये मदद करता है एलोवेरा। खुराक और साइड इफ़ेक्ट्स, यह तो हम जानते हैं कि गुणों की खदान है एलोवेरा, लेकिन जहां फ़ायदे हैं वहां नुकसान भी देखने को मिलता है। एलोवेरा पौधे से बनी दवाइयों में औषधीय गुण होते हैं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यह कई रोगों में बहुत असरदार भी साबित होती है, पर साथ ही इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए और आँख मूंद कर एलोवेरा से दवा बनाने वालों के दावों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेटेक्स एलोवेरा, ये एलोवेरा की साबुत पत्तियों से बने जूस में पाया जाता है, जिसे एलाय लेटेक्स भी कहते हैं। अपने पाचन की क्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए लोग इसे भोजन से पहले पीते हैं ताकि उनका पाचन मजबूत हो और कब्ज से दूर रहें, पर आप नहीं जानते हैं ये उतना ही नुकसानदायक होता है, कहीं आप उल्टे ही डायरिया और पेट में मरोड़ जैसे रोग के शिकार न हो जाएं। सावधानियां, आप यदि लंबे समय के लिए इसके रस का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतने की ज़रूरत है। इस रस का लंबे समय तक उपयोग पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि का कारण बन सकती है। एलोवेरा की तासीर गर्म होती है, इसीलिए गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान इसे लेने से बचना चाहिए। यह बवासीर, जिगर या पित्ताशय से पीड़ित लोगों को इसके उपयोग करने से बचाना चाहिए। एलोवेरा बहुत ही प्राचीन औषधि के नाम से जानी जाती है, जो त्वचा संबंधी रोगों में काफ़ी असरदार रही है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका उपचार डॉक्टर की सलाह से ही करवाना चाहिए, न कि कोई भी औषधि या एलोवेरा या कोई भी औषधि हो उस पर डिपेंडेंट होकर के बैठ जाना चाहिए। जब भी इलाज कराएं, कुछ मेजर प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की परामर्श से ही करें। आज की हमारी यह जानकारी थी आप सभी के लिए एलोवेरा के फायदों से लेकर के। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।